हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ये क्लास ट्वेल्थ का एक्सरसाइज नंबर 7.4 चैप्टर है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग समाकलन चैप्टर का सोल्यूशन कर रहे हैं, 7.4 चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 6 वीडियो है, चलिए देखते हैं इसमें 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमने इसको पहले क्या लिख दिया, समाकलन ऑफ, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिया और समाकलन के रूप में लिख दिया dx, और ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया और नीचे वाले को हम d बाई dx के रूप में लिख दिए, a लिखकर और प्लस b लिखकर, और यहाँ पे a रहने दिए। यहाँ पे इसका हम अवकल करेंगे, ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो इसका तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, x का 1 हो जाता है, ये 3 × 6 x हो जाएगा और प्लस b है तो प्लस b। अब इसको हमने ऐसे ही उतारते गए और यहाँ पे 2 में ए से तो 2 ए में 6x से तो ए 6ax हो गया प्लस बी। हमने क्या किया, x वाले को इधर छोड़ दिया और ये कांस्टेंट ये आपका 2a और प्लस बी को एक जगह कर दिया, ठीक है, तुलना कर लिए। तो तुलना करने पर x वाले को एक जगह करेंगे हम, 5x बराबर क्या हो जाएगा 6ax, तो xx कट गया, तो यहाँ पे a 6a बराबर 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5/6। इसी तरह से इसको हम -2 के बराबर करेंगे, तो देखिए हमने कर दिया और एक स्थान पे 5/6 भर दिया। इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से देखिए 5/3 हो गया। अब हम इसको क्या किए हैं, इसको उस साइड भेज दिए, तो प्लस था तो उधर गया तो माइनस हो गया, भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, 3 × -6 - 5 कितना हो जाएगा, -11/3 बी का मान आ जाएगा, और ए का भी हमें मान पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भर देंगे इसको, यहाँ पे जो अवकल करके आया है ना a इंटू इतना प्लस b, तो यहाँ पे a का मान भर देंगे, यहाँ पे b का मान भर देंगे, ठीक है, और नीचे जो बट्टा में है यहाँ पे लगा हुआ है ये हम लिख देंगे। यानी कि किस तरह से लिखेंगे, इस रूप में a का मान और जो था और b के मान प्लस, प्लस में b था ना तब यहाँ पे माइनस आया है 11/3, तो -11/3 हो गया, और जो नीचे आपका हर में जो था उसको हमने बहुपद को लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5/6 और इतना और बटा इतना एक साथ dx लगा दिए, -11/3 है तो 11/3 ये इससे इसमें भी भाग तो होगा, तो ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1/ बच जाएगा dx, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या किया कि इसको ऐसे नहीं छोड़ दिया, इसको हम i1 11/3 इसको हमने i2 मान लिया, ठीक है। पहले हम i1 को सॉल्व करेंगे, ये वाला I1 के स्थान पे कौन सा है, ये पूरा के पूरा, तो चलिए उठा लिए। नीचे वाले को t मान लेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 × 6x हो जाएगा dt/dx। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से dx यहाँ आ जाएगा, ये वाला मान dx के स्थान पे, यानी dt/2+6x। अब हम क्या करेंगे, इस dx का मान यहाँ पे पुट करेंगे और ये dt/ कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे 2+6, और ये इसको हम टी बनाते टी रख देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और dx के स्थान पे इतना भर देंगे, ठीक है। यानी कि देखिए कैसे, देखिए इस तरह से, अब ये देखिए कट रहा है तिरछा तिरछी, काटिए तो 1/t dt log t हो जाता है, और t का मान हम वहाँ से भर देंगे जो माने थे, यहाँ पे c1 है तो c1, ये हमें i1 का मान पता चल गया। अब हम i2 को लिखेंगे, चूँकि i2 का मान कितना है, देखिए यहाँ से i2 का मान कितना है, इतना रखना है, इसको सॉल्व कर लें पहले, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने क्या किया, इसको थोड़ा सीधा करके लिख दिया, 3x² + 2x + 1, 3 से हम सब में क्या कर दिए, भाग कर दिए, 3 से यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, 3 से गुना करेंगे इस सब में, 3 से यहाँ पे आप गुना करेंगे 3 × अब तो 3 से सब में भाग करना पड़ेगा, तो यही 1/3 बाहर कर लिए, और इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x², ये जैसे उसे छोड़ दिए, और यहाँ पे 1/ ये एक ए स्क्वायर हो गया मान लीजिए, प्लस 2ab होगा 2, और a के स्थान पे x और b के स्थान पे 1/3 रखेंगे, तो फिर इस सब को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 2a आई हो गया b के एक बार प्लस में स्क्वायर, एक बार माइनस में स्क्वायर, और ये जैसे उसे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक सूत्र बन जा रहा है, a² + 2ab + b² यानी ये प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 1/
तीन ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 9 आ गया तो यहाँ पे माइनस 1 और 3 3 9 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। तो अब इसको करेंगे तो प्लस 2/9 आ जाएगा। फिर इसको हम स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, रूट लगा देंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे, यानी इतना के स्क्वायर करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र होता है, कितना होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र आपको पता होनी चाहिए समाकलन का। ठीक है, कितना होता है 1/a टैन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस सी। तो यही सूत्र हम लागू कर दिए हैं, तो जिससे छोड़ दिए 1/a ए के स्थान पे ये है, टैन इनवर्स एक्स एक्स के स्थान पे है और बट्टा में ए के स्थान पर ये रहा प्लस सी टू। इसको ये बट्टा के नीचे बट्टा है तो उलट जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इसको हम भिन्न के जोड़ घटा कर लेंगे तो 3 LCM आएगा, तो 3x+1 और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3x+1/√2 और यहाँ पे 1/√2। अब ये I2 का मान आ गया, I1 तथा I2 का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम समीकरण 1 को क्या माने थे वो रख ले रहा हूँ, तो देखिए ये रहा समीकरण 1 ये रहा, तो इसको हम यहीं पर उतार लेंगे, ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, उतारने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे I1 के मान और यहाँ पे I2 के मान और 11/3 और माइनस में है 5/6 ये सही रहेगा। तो देखिए हमने क्या कर दिया, 1/6 और I1 का मान ये आया था हमारा, देख लीजिए ये रहा I1 का मान, जिससे हमने यहाँ पे I1 के मान भर दिया, यहाँ पे I2 का मान जो आया था, तो देखिए ये रहा आपका I2 का मान। ठीक है, I2 का मान हमने क्या किया तो यहाँ पर हमने रख दिया, तो I2 के मान यहाँ पे रखा गया तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 11 में 1 से तो 11 हो गया, 3 में √2 से तो 3√2 हो गया, ये जैसे है उसे छोड़ दिया, और C1 और C2 मिलकर क्या हो गया C बन गया। तो यही इसका आपका राइट आंसर हो गया I का मान। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आएंगे, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।